उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस से बेखौफ दबंगों ने कार हटाने के विवाद में कांग्रेस युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें बचाव करने के दौरान कांग्रेस नेता का रिश्तेदार गोली लगने से घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस से झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। जबकि सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पहुंच गई और आरोपी दबंगों की तलाश में जुट गई है। ये पूरा मामला मोहब्बा शहर कोतवाली इलाके के लवकुश तिराहे के पास का है। यहाँ कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव अपने कुछ साथियों के साथ लवकुश नगर तिराहे के पास खड़ा हुआ था। इसी दौरान एक व्यक्ति अपने वाहन से निकला और रास्ते में खड़े चार पहिया वाहन को हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी, लेकिन अचानक आरोपी फिर अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और कई राउंड फायरिंग कर दी। इसी दौरान कांग्रेस नेता छत्रपाल यादव का रिश्तेदार चंद्रपाल यादव अचानक सामने आ गया, जिसे गोली उसे जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर दबंग आरोपी मौके से फरार हो गए। कई राउंड फायरिंग में कांग्रेसी नेता बाल बाल बच गया, जबकि उसका रिश्तेदार घायल है। इस घटना में घायल के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मैं अपनी घरवाली कुलिये जैसी रास्ते में गया, कुलिये पड़ती है उसमें जैसे ही गया तो एक गाड़ी आगे लगाए हुए थे, और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतर के मैंने पूछा भैया कौन हो क्या हो, तो उन्होंने सीधे गाली गलौच सीधे फायरिंग चालू कर दी। तो मेरे साथ में मेरा एक चचेरा साला है, उसने मुझे बचाने के लिए टोटल फायरिंग उसके ऊपर लग गई भैया हाथ वो, उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए, भाग गए। अब ये तो मुझे नहीं पता किस क्या कौन से राजनीति मैटर भी हो सकता है या हो सकता कोई भाई जो ने पता नहीं क्या मैटर हो सकता है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लवकुश नगर एक मोहल्ला पड़ता है, उसमें दो पक्षों में गाड़ी निकालने को लेकर के विवाद हुआ। एक पक्ष था वो गाड़ी लेकर के आ रहा था, उसको अपने घर जाना था, और एक गाड़ी आगे खड़ी हुई थी। उसी दौरान दोनों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने जो है गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। उसको जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया झांसी के लिए। उसकी तबीयत ठीक है, इलाज उसका चल रहा है। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो इसमें नाम नेम्ड कराए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।